जय हिंद साथियों, सीटेट को लेकर बहुत सारे खबर आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन कुछ अहम और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर हम आपके साथ लाइव हुए हैं। पहला सवाल यह है कि सीटेट के जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य पर संकट हो सकता है, और ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि सीटेट 2022-23 अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी ये सोच के बैठे थे, ये मानकर बैठे थे कि सीटेट में अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा, और वो सीटेट परीक्षा में जिस तरह 2018 में सीटेट ने सीबीएसई ने जो सीटेट अपेयरिंग थे उनको भी एक मौका दिया था कि ठीक है आप लोग फॉर्म भर लीजिए, परीक्षा दीजिए, अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो आपको नौकरी दे देंगे केवीएस की। लेकिन इस बार केवीएस ने एक बड़ा बदलाव किया और उसने सीटेट अपेयरिंग अर्थात ऐसे बच्चे जो 2022 के सीटेट में फॉर्म आवेदन किए थे और अभी तक वो सीटेट नहीं पास थे, उन्हें केवीएस ने पूरी तरह से बाहर कर दिया। अभी तक आपने जो उसका नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने पहले जिक्र कर दिया था कि हम केवल सीटेट पास वालों को लेंगे, माने आज के पहले माने फॉर्म भरने से पहले जो सीटेट पास हो गया वो आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अब फॉर्म भरने के बाद अगर कोई सीटेट पास होता है तो उसे केवीएस भर्ती आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इससे उन तमाम लाखों लगभग 30 से 40 लाख अभ्यर्थियों का पूरी तरह सपना टूट गया जो अभी तक सीटेट पास नहीं थे और ये अपने आप में ये सोच रहे थे कि नहीं उनको सीटेट में मौका मिलेगा। अपने आईटी के रिपोर्ट में सीबीएसई ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि वो अब अपेयरिंग का दो मतलब है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर मैंने जब सीटेट पास किया तब मैं अपेयरिंग में था, उस अपेयरिंग की बात नहीं हो रही। अगर अभी तक आपके पास सीटेट पास है, मतलब पहले सीटेट पास कर चुके हैं अपेयरिंग सेमेस्टर में भी, वो मान्य है। लेकिन अभी तक जो सीटेट नहीं पास थे इस भर्ती प्रक्रिया के अपेयरिंग है उनकी बात सीटेट कर रहा है। दूसरी एक और बात है जो एज को लेकर थे कि सर कोविड में जो 3 साल का जो गैप रहा है उस एज में उस उम्र में भी छूट मिलनी चाहिए, उसको भी सीबीएसई ने साफ कर दिया कि हम जो निमोनी के अधीन है और हम किसी प्रकार की एज में उम्र में कोई छूट नहीं देने वाले हैं, उम्र में अब किसी प्रकार की कोई छूट मिलने वाली नहीं है, आप सभी लोग तैयारी करिए। मतलब अगर एक दिन भी आपका ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप आवेदन प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो पाएंगे, यह बात पूरी तरह से आप लोग बैठा लीजिए। मतलब एज में कोई छूट नहीं मिल रही है, सीटेड अभी तक जो पास नहीं थे जो इस भर्ती के लिए अपेयरिंग है वो भी पूरी तरह से बाहर हो गए। एनआईएस डीएलएड को भी अभ्यर्थी जो थे वो भी ये मान ले कि अब भी वो भी केवीएस जो परीक्षा कराने जा रही है उसमें भी वो पूरी तरह से बाहर है। अब एक सवाल उठता है कि सर केवीएस की जो परीक्षा होनी है के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया है वो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा? तमाम तरह के यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को डालने भ्रमित कर रहे हैं, और आप भी भ्रम में पड़े हुए हैं, तो एकदम साफ और स्पष्ट जान लीजिएगा कि सीबीएसई के थ्रू जो केवीएस में इंटरव्यू होना है आप उसमें अपने जो इंटरव्यू का भाषा है उसका भी चयन कर सकते हैं। यहां पर यह कितना जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी में ही इंटरव्यू देना है, हिंदी में आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल कुछ लोग का प्रश्न आ रहा है कि सर क्या इस भर्ती में पद भी बढ़ाए जा सकते हैं? तो यह भी एकदम साफ और स्पष्ट है कि पद की बात अगर किया जाए एक भी पद नहीं बढ़ने वाले, जो पद है वो फिक्स है। अब उसके ऊपर आयोग के ऊपर है कि समय आने पर पद घटाए बढ़ा सकता है, अभी आपके सामने जो पद है वही है। दूसरा एक सवाल यह है कि सर अगर बाद में बीएड बीटीसी केस को लेकर कोई भी समस्या होती है, अगर कोई बदलाव होता है, तो क्या उस दशा में जो बीएड के अभ्यर्थी मान लीजिए बीएड या बीटीसी के साथ अगर उनके पक्ष में फेवर में अगर कोई जाती है कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, क्या वो केवीएस परीक्षा से वंचित होंगे या केवीएस परीक्षा में रहेंगे? इस पर भी एकदम पूरी तरह से आप लोग ये जान लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। इसलिए आप लोग भगवान का नाम लेकर अपनी तैयारी को जारी रखिए। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये तो समय की बात है। फिलहाल अभी आप सभी लोग अपना बेहतर दें, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को एक बार शेयर कर दें, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी अभी से लाइव देख रहे हैं। अगर आपका भी कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो आप यहां से पूछ सकते हैं, कोशिश हम करेंगे कि आपके जो सभी सवाल हैं उन सभी के जवाब को हम लाइव देने का प्रयास करेंगे। आपके पास एक मिनट है, आप सभी जो भी आपके मन में सवाल हो या केवीएस से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप सभी साथी पूछ सकते हैं। जो भी साथी यहां पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं वे एक बार, क्योंकि ये लाखों अभ्यर्थियों का सपना टूटा है जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, खासकर जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि नहीं उन्हें अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा। चलिए, तो मुझे नहीं लगता आपका आपके कोई सवाल है, आपके कोई प्रश्न है, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद, अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो अभी लनिपुर दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं।
अच्छा एक बात ये आता है विषय को लेकर भरने के लिए, तो मैं एकदम स्पष्ट और साफ आपको बता दूं कि जो विषय भरने को लेकर आता है कि सर हम जब डीएलएड है और हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो उसमें विषय पूछा जाता है, तो जो विषय की बात है हाँ वो विषय जो है वो केवीएस के लिए कौन सा विषय भरा जाएगा केवीएस के फॉर्म में, तो डीएलएड के सेमेस्टर के विषय में, तो उसमें याद रखिएगा वो कला वर्ग या साइंस वर्ग आप भर सकते हैं। अगर आप चाहें विषय को भी भर दें जो डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के विषय थे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें गलती नहीं कि नहीं अगर आपने भर दिया है तो आपके लिए कोई समस्या होगी, कतई इसकी बात की चिंता नहीं करना। अगर आपने कहीं अब फॉर्म भरते समय अगर आपने गलती कर दिया है कि सर हमने पता एड्रेस गलत भर दिया है तो फिर आपके लिए तो ये सब भी जानते रहिए, ये सब भी सुनने इसके भी आपके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल आया दुर्गेश कश्यप जी का कि मेरा सीटेड मार्कशीट और रोल नंबर सब कुछ नहीं मिल रहा है, 2 साल लास्ट में पास किया था तो कोई उपाय? ये जी इसका अभी तक कोई उपाय नहीं, सीबीएसई जाइए वहां पे भी पता करिए कि आपके मार्कशीट अब आपको कैसे मिलेंगे। जब आपके पास कोई आधार ही नहीं है कि मतलब आधार का मतलब बेस ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको मार्कशीट मिल सके, उस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता। और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को शेयर करिएगा, आपके एक सवाल थे, सवाल को मैंने जवाब दे दिया। अगर आप भी किसी का सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के पेज को फॉलो करिएगा और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जहां पे आप सभी के लिए लगातार मैराथन क्लास चल रही है आपके कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए। मैं खुद ही लेकर आता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है आप सभी के लिए निःशुल्क क्लासेज जो देशहित में और राष्ट्रहित में। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।